भूमिपुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीबी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ब्रह्मा शौच मुक्त हो चुके नरसिंहपुर जिले में एक घर में शौचालय न होना एक परिवार के लिए नासूर बन गया। घर के मुखिया की दिव्यांगता और तीन बच्चों के साथ रहना एक महिला के लिए इन दिनों बिना शौचालय के रहना किसी मुसीबत से कम नहीं। आज जब ये महिला जनसुनवाई में पहुंची तो मीडिया के सामने अपनी व्यथा सुनाती हुई इसकी आंखें छलक उठी। प्रशासन जाँच की बात कर रहा है। कुंती बाई का कहना है कि ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव को रिश्वत न देने के चलते उनका शौचालय नहीं बन सका। अब हालात ये हैं कि उन्हें रोजाना परेशानी से दो चार होना पड़ रहा। लेकिन आज नरसिंहपुर जिले में कुंती बाई की कहानी ने हकीकत से पर्दा उठा ही दिया और कागजों की दौड़ को थाम कर रख दिया। समस्या ये कि मेरे घर में शौचालय नहीं है। सरपंच सचिव से बोलती हूँ तो बोलते ऊपर से आदेश नहीं है। ऊपर से आदेश आएगा जब हम बना के दे दें। मैंने कि मैं तुमरे 10 साल से बोल रही हूँ तो क्या तुम आदेश ही नहीं आ रहा होगा? गांव भर की बन गई तो कमेरी नहीं बनेगी क्या? मेरा पति विकलांग है तो मेरे से पैसा ले लो ज्यादा सी। मैं मजदूरी करके और आपको पैसा दे रही हूँ। मन में तुम बना दो। मैं जो लेट भर भर के पियक रही हूँ तो नहीं पियक हो जा रहा हूँ मैं। अब मैं तीन तो बच्चों को पालूं क्या? अब मैं अपना घर में शौचालय बनवाऊं, बच्चों को क्या खिलाऊंगी मैं बच्चों को? सबके शौचालय बन गए, आपका क्यों? मेरा नहीं बना। मैंने बोली थी ऊर्जावाद, बोली मैं पैसों की रिश्वत मांगी थी। कौन ने? सरपंच सचिव ने बोले कि सबको पैसे दे रहे हैं, दो दो 5,000 रुपये तो तुम भी दे दो तो तुम्हारी भी बन जाएगी। मैंने कहा मेरे पति का इलाज चल रहा है, मैं वो तो पैसे लगा रही, बच्चों को खाने में लगा रही हूँ, हाथों में मैं अपना घर का काज परेशान हूँ, दूसरे के घर में रह रही हूँ, मेरे काज रहने के काज। बीपीएल कार्ड अभी बनवाया मैंने, अभी बनाओ है वो भी उनने नहीं बनाओ। मैंने फिर चली कर के यहीं से कार्ड बनाओ, तहसील से बनाओ, मैंने बनवाओ, मन उनने बना कर नहीं दो, कोई सुनाई नहीं हुई अब तक। हाँ तो एक बार मैंने बोली तो के अब आज भी मैं अभी भी सरपंच सचिव से मिल के आई हूँ तो बोले तुम तो कलेक्टर का चल जाओ, कमलनाथ का चल जाओ, जे का तुम्हें जाने वहाँ चल जाओ, मेरे कुछ नहीं होएगा। हाँ और पेंशन भी नहीं बनाई मेरे पति की, पेंशन भी नहीं मिल रही। मैंने पेंशन का फॉर्म भर दो दान कैंसिल कर दो, विकलांग की। कुंती बाई का जो परिवार है 2018 में सूरजगांव ग्राम पंचायत में आया है और जबकि पूरा अपना जिला और ग्राम पंचायत सूरजगांव 2018 से पहले ODF हो चुका है, यानी प्रत्येक परिवार के घर में शौचालय बन चुका है। चूँकि ये परिवार नया आया है इसलिए इस परिवार का शौचालय विहीन परिवारों की सर्वे सूची में नाम जोड़ लिया गया है। जब भी शौचालय से संबंधित जो भी योजना से पैसे मिलेंगे तो उसको दिला दिए जाएंगे और उसका लाभ भी दिला दिया जाएगा। अभी आप बता रहे हैं कि मतलब शौचालय बना देंगे, ODF हो गया है, उसके बाद उन्होंने बाहर जा रहे हैं। जब भी योजना के तहत लाभ मिलेगा तो उसे दिला दिया जाएगा और बाहर तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके घर के पास सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी है। आप बोल रहे हैं बार बार कंप्लेंट करती हैं वो हमारी? जी बिल्कुल करते हैं। अधिकारियों को बताया कि हमारी कंप्लेंट करते हैं? हाँ जी बिल्कुल बताया, लिखित बताया आपने? लिखित बताया है बिल्कुल। वो पहुँचती हैं जनपद, चली जाती हैं। हाँ। उनका मतलब वो हमेशा शिकायत करती रहती है। लगभग अपने टॉयलेट सभी जगह हैं, पात्रता अनुसार सभी टॉयलेट बने हैं और जनसुनवाई आवेदन आए तो दिखवा लेता हूँ, यदि पाते तो टॉयलेट बनवा देंगे सबको। क्या सरपंच सचिव कह रहे हैं पैसा मांग रहे हैं सर, उसका आरोप भी लगा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, अपन दिखवा लेंगे, यदि पाते तो महंगी तो उनको बनवा देंगे सर। सचिव बोल रहे हैं 2 साल पहले आए हैं जी यहाँ पर, तो अभी तक मतलब उनका मतलब आवास योजना मतलब घर भी नहीं बना और मैं PSO से जाँच करा लेता हूँ। कई बार बाहर से आके विस्थापन होकर आ जाते हैं तो उसमें उन्हें दिक्कत आती है, जब उनकी समग्र आईडी नहीं बन पाती है तब तो प्रॉब्लम आती है। मैं दिखवा लेता हूँ, जाँच करा के यदि होगा तो पाते। खास बात तो ये है कि ये नज़ारे तब देखने को मिल रहे जब इस जिले ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत ब्रह्मा शौच मुक्त होने का गौरव हासिल किया है। सरकारी पेची दंगिया को कई हो सकते हैं पर एक BPL परिवार के पास शौचालय जैसी अहम सुविधा का ना होना कहीं ना कहीं सिस्टम की खामियों को उजागर कर दिया और जिले के सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।